और भाई इनको स्क्रीन टाइम दे दे, भाई इनको भी स्क्रीन टाइम दे दो। चलें भाई, भी तो खाया आपने? से चीज चीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सहीफा जबा खटक और मेरे साथ हैं सुनील मांच। फूडीज ऑन व्हील्स के थर्ड एपिसोड में आज मेरे साथ धोखा किया है इन्होंने। हम आ रहे हैं यार, वो इसलिए हुआ है कि मैंने आपको कहा था लेडी डायना वाली एस क्लास में शिबा में आपको लेके जाएंगे और आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट ये आपको पानी नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे शिबा आती ना तो शिबा से ज़्यादा वो उसने वो बन जाना था किश्ती। अब मुझे नहीं पता किश्ती को क्या कहते हैं रैपिक में। तो ये सूरत हाल थी, आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे लोगों ने घरों के बाहर बंद बांधे हुए हैं, तो इसमें तो मर्सिडीज़ जो है वो रह जानी थी बिल्कुल ही। तो आपके घर में पानी का क्या सीन आते हैं अंदर पानी? हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल जितना पानी पूरे पाकिस्तान या पूरे लाहौर में जब बारिश होती है लोग खुश होते हैं, मैं सबसे ज़्यादा परेशान होता हूँ सपोर्ट के कि यार ये तो घर के अंदर तक पानी आ रहा होता है। और हमारी पूरी लेन में ये एक परेशानी है कि लोगों ने ना फिर अपने ये खुद ही बनाए हुए। आज हम जा कर रहे हैं वो भी डिसाइड कर लेते हैं, आपने बताना कहाँ जाना। आपने खाना, मैं तो खाना खाने वाला, आपको पता है आपने खाना तो होता नहीं, चम्मच से आप खाते तो किसी अंग्रेजी जगह पे चले को पत्ते पुत्ते खा लीजिएगा आप। मतलब देसी का तो मतलब जुल्म है ना कि निहारी नहीं खाई थी, चने तो बेहतरीन खाए थे। सुनी भाई ये वाली कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे फिर से कि हम चम्मच से चने खा रहे हैं प्लीज, या चम्मच से हम निहारियां खा रहे हैं, तो वी विल गो टू सम। हाँ तो आज वैसे मौसम अच्छा है, वैसे आज खाने तो पकौड़े समोसे चाहिए, लेकिन पकौड़े जो है वो वेट गेन कर देते हैं और मैं करना नहीं चाहता। आपको कौन सा वेट लूज करना है मजीद? नहीं लूज नहीं करना है, मेंटेन रखना चाहिए। तो आज हम कोई चीज चाहिए, पिज्जा खा लेते हैं। मैं तो सब खा लेती हूँ, आप खाएंगे? मैं आज आपको सरप्राइज कर दूंगा, इतना पिज्जा खाऊंगा कि आपने परेशान हो जाएंगे। इतना का क्या मतलब है? और लंबा ऑर्डर जो जो उनके पास है सब कुछ ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा तो खैर आज हम जिस गाड़ी पे हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज पार्क व्हील और पार्क व्हील में गाड़ी का जिक्र जरूरी है। तो पहला सवाल आपका ये था कि इसका स्टेयरिंग इस साइड पे क्यों? हाँ, मैंने गाड़ी में बैठते हैं। सो ये टोयोटा टकोमा है जी, और ये होता ही लेफ्ट हैंड में, टकोमा कहीं भी राइट हैंड में नहीं आता। ये अमेरिकन मार्केट में ज़्यादा चलता है और इसको हमारे यहाँ रैली के जबान में टाको कहते हैं लोग, ज़्यादातर शॉर्टकट कह के टकोमा से टाको 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 बेल नहीं है। तो आपके जहन में भी है ये रजा जो मेरे पार्टनर है रजा साहब की रैली कार है, और पाकिस्तान में रैली में जितने प्रीपेड के टॉप कंटेस्टेंट हैं सारी टकोमा यूज़ करते हैं। रजा हैज़ बीन ट्राइंग हिज लक विद निसान फॉर क्वाइट लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने उसको कन्विंस किया था कि भाई हम भी एक टकोमा लेके तैयार कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आ रहा है तकरीबन 5-6 महीने से खड़ी है, अभी इसके अंदर 5.7 सेटअप डालना है, इसके सस्पेंशन चेंज होनी है, इसका सारा कुछ निकल के चेंज होना है। कितना टाइम लगता है एक गाड़ी को तैयार होने में? एक गाड़ी को जो कंप्लीट रैली के लिए अगर आपने तैयार करनी है एक सीजन पूरे के लिए, तो मेरा ख्याल है मिनिमम अगर आपको बहुत भी अच्छी टीम होगी ना तो 5-6 महीने लग जाते हैं। तो दो मेन रीज़न है रजा साहब को शिफ्ट कराने की इस निसान से टोयोटा पे, वो भी यही है कि निसान नो डाउट बहुत अच्छी तैयार हो रही है, उसमें बड़ा सामान भी डल गया है, बट अगर उसका एक भी सेंसर रैली वाले दिन ख़राब हो गया तो आपकी पूरा रैली ज़ाया हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जब आप टोयोटा पे जाते हैं, आप कई लोग ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइंग में गाड़ी उल्टा भी देते हैं, अगले दिन स्क्रीन भी मिल जाती है, गियर भी मिल जाता है, क्योंकि टोयोटा की तमाम गाड़ियों के पार्ट्स जो है ना वो आपस में रिप्लेसेबल हैं। कहाँ जा रहे हैं आज हम? पिज्जा कहाँ से ले रहे हैं? पापा जॉन्स। ओके, ये हमारे दफ्तर के करीब है। और आप कह रहे थे बार बार कि आज हम बहुत ज्यादा खाएंगे और आज मैं आपको मैं उड़ा के रख दूंगा, मैं ऑर्डर करके उड़ा के। आपने अपना लास्ट मील कब खाया है? यार लास्ट प्रॉपर मील नाश्ते की आपने? बच्चों के साथ गया था तो, लेकिन मैंने चाय पी थी और कल रात को खाना नहीं खाया। ये बता दें कि हमारी लास्ट दो जो वीडियोस थी वो हम 6 AM या 5:30 AM पे वी वुड लीव द हाउस और हम 6:30 बजे मैक्स खाना खा रहे होते थे, नाश्ता कर रहे होते थे। आज हम शूट कर रहे हैं 1:15 हो गए दोपहर, दोपहर का खाना है ना, तो ये हमारे दोपहर का खाना है। तो आज चलो देख लेते हैं, मैं सारे जो है ना शिकवे खत्म कर दूंगा। इनका ड्राइव थ्रू वगैरह कुछ नहीं? नहीं ड्राइव थ्रू नहीं ऑर्डर करते हैं। अच्छा इसको फजीता बोलते हैं कि फहीता बोलते हैं? दोनों ही बोलते हैं, हम देसी हैं भाई, आप फजीता बोलें क्या है? मैं तो फजीता ही बोलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं फहीता बोलना चाहिए। जोर दो की होता है बोलने के। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बड़ा अंग्रेजी में है। ये सारे फ्लेवर हैं? यस सर, ये चिकन में फ्लेवर है, ये हमारे बीफ में फ्लेवर है। ये बीफ पेपरोनी है? यस। पेपरोनी वो होता है वो छोटे छोटे गोल गोल होता है ना, और ये थिन क्रस्ट है? थिक क्रस्ट है ये, आप थिक में भी ले सकते हैं थिन में भी ले सकते हैं। और ये जो एक पिज्जा है इसका जो सबसे बड़ा आपका साइज है वो क्या है? वो 12 इंच का होता है हमारा लार्ज। आप ऐसा करें एक फहीता कर दें, बारबेक्यू चीज, ये एक गार्डन वेजी है जी। अच्छा ये चार चारों के लार्ज और आप दो दो कर। अभी इतने सारे ऑर्डर किए हैं, खाऊंगा ना यार। See, मैं, if this food is going into waste, I can kill you. यार मैं खाना नहीं जाया करता। 8-9 pizzas, 8 pizzas, 8 pizzas, large वो भी। 8 में से 7 तो मैं ही खा लूंगा। अच्छा। एक में आप कोशिश कर लीजिएगा। मैं actually एक खा सकता। पूरा? पूरा। आओ जी। अच्छा जी पिज्जा आए हैं जी पूरे 30 मिनट बाद। यार आप लोगों का डिलीवरी टाइम कितना है? 30 मिनट से ऊपर हो गया यार, ये तो बड़ा लंबा वेट कराया आप लोगों ने। अच्छा मेरी बात सुनो, पिज्जा खा क्यों नहीं रहे हो?
पिज्जा, ये भी एक सरप्राइज है, आपको वाकई लगा था कि मैं 8 पिज्जा खा सकता हूँ? मतलब आपकी पेनल्टी तो यही बनती थी कि आप नहीं खाएं? वो आज मेरा प्लान ये कि आज मैं बच्चों के साथ गया था सुबह नाश्ते पे ना, तो मैंने सोचा कि यार अपने बच्चों को तो हम ले ही जाते हैं, और जब भी होता है वीकेंड बच्चों के लिए या हम अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करते हैं, तो क्यों ना कोई किसी को खुश किया जाए और किसी ऐसे लोगों के बच्चों के साथ जाया जाए जिनके पास लोग हर कोई हर रोज़ नहीं लोग जाते। सो देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड SOS, तो हम SOS जाएंगे और वहाँ के बच्चों के साथ ये खाना खाएंगे। This is so good. I am proud of you. This is a very good idea. तो इसलिए मैंने कहा कि हम इतने पिज्जा जो है आपको वाकई लग रहा था कि मैं खा सकता हूँ। मुझे उस दिन किसी ने कराची मेले में कहा कि आप ये लगते हैं, मैं लगता हूँ? कौन है? एक खातून है, उन्होंने कहा जी आप हमें इसलिए पसंद है कि आप रोमन रेंज लगते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं अपने रिव्यू के वजह से पसंद नहीं, उन्होंने रोमन रेंज कहा मुझे। खातून को आपका भी पता था और उसको रोमन रेंज का भी पता था? आपको रोमन रेंज का नहीं पता ना? जितनी यार ये फ्यूल कितना खाती है, मैंने सुबह डलवाया और ये फिर एंड की तरफ जाई जा रही, यूं सुई नजर आ रही है मुझे आती हुई। दैट इज द रीजन लोग जो है ना ये टकोमास पाकिस्तान में रैली के अलावा नहीं चला, गिर ना जाना इनके वजन से। यार ज़्यादा मेरे लिए छोड़ दिए हैं, ज़्यादा आपके पास से है, ऊपर वाला है सिर्फ मेरे पास। देखते हैं कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया बच्चे कितने हैं, ज़्यादा हैं कम हैं, गलत ना हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हाउ आर यू ऑल? व्हाट आप लोगों की क्या क्या एज है यार, वैसे एज तो बताएं, क्या एज है आपकी? 8, 9, 8, 7, 6 बोलो तो सही। शर्मा रहे मेरे से? 9, 10, 9, 7, 8, 7 क्या नाम है आपको? 8 क्लास नहीं, एज 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 क्लास 3 है। 9 आपकी? 10, 9 चले गुड गुड। आप पीछे क्यों आ गए, आ जाओ ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है एंड आई एम 44 years old। तुमसे ज़रा थोड़े से बड़े, थोड़े से ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब किसी आप लोगों की सारों की एज को मेरा ख्याल टोटल कर लेंगे उससे भी ज़्यादा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। मेरा नाम सहीफा है एंड आई एम 31 years old। नो या आई एम। बैठे आप लोग, आपका क्या फेवरेट है? आपका भी मैथ्स फेवरेट है और आपका? मैं करता हूं साइड पे, आप लोग आ जाओ। सबका मैथ्स फेवरेट है भाई, इतने माशाल्लाह ब्रिलियंट बच्चे, वो कह रहे हैं मैथ्स फेवरेट है सबका। कंप्यूटर साइंस मैथ्स सारा कुछ देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। आज सर्कल की जगह तो बन गई, छोड़ दे बेटे, छोड़ दे, इतना हैवी ना उठा। आओ जी, लेट्स मेक अ सर्कल लिटिल बिट बिगर ताकि सारे आराम से आ जाएं। खोल के मेरा ख्याल है उसको इधर डिवीजन हुई होगी ना। अच्छा जी, दीज आर टिश्यूज। आपने कौन सा ये वाला खाना है? चीज पिज्जा खाना है? ओके, आ जाओ। हाँ जी, खोले ना, खा रहे जरूर, शुरू करें। ये लें एक, पहले इसको एक साइड। आपने ले लिया, आपने ले लिया, कौन रह गया? सामने वाले रह गए, जितना दिल करे उतना खा। मुझे तो पूछा ही नहीं आपने। थैंक यू। अच्छा, मुझे वो वाला चाहिए। अब मैं सेंटर में आ गया हूँ, गेम खेलते हैं, गेस द नेम ऑफ द पिज्जा एवरीबॉडी इज हैविंग। हाँ भाई, जल्दी से बताएं अपने अपने पिज्जा का, पिज्जा का नाम बताएं। मुझे तो खुद नहीं पता जो मैंने खाया, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक वो बारबेक्यू है, ये हैलोपिनो है, चिकन है। आपने नहीं खानी? क्यों? यू नॉट हंग्री? तो आप लोग सब स्कूल जाते हो? यहाँ पे कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है ये तो बताएं पहले मुझे। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? लाइन में चल रहे हैं? हाँ, लाइन में। इसकी बेस्ट फ्रेंड आप? आपकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ? और ये सबकी बेस्ट फ्रेंड ये है? तो सबकी बेस्ट फ्रेंड है भाई, मतलब सब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा सबकी बेस्ट फ्रेंड है, गुड। क्रिकेट किस किस को अच्छी लगती है? सिर्फ बॉयज को अच्छा भाई, गर्ल्स को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अभी पाकिस्तान कौन से टूर्नामेंट में हारा है? अभी टूर्नामेंट हो रहा था कोई एशिया कप, कौन जीता है एशिया कप? अब आगे क्या आने लगा है पता है क्रिकेट में? वर्ल्ड कप आने लगा है, कहाँ पे हो रहा है? बॉयज़ को लगता है क्रिकेट का ज़्यादा शौक है। आप तो डेट से याद की है, मुझे इतनी नहीं यार। 29 को किसका मैच है? पाकिस्तान और वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में ही। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? नसीम शाह। आपका? रिजवान, शाहीन आफरीदी, वसीम, नसीम शाह। यार बाबर आजम किसी का फेवरेट नहीं है, वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन है, हमारा कैप्टन है यार। सही है, बाबर आजम के लिए कितने कितने फेवरेट है? बाबर आजम हाथ खड़ा करें, ये क्लियर विन है यार। ऐसे देखे ऐसे किसकी? शाहीन। शाहीन की कल शादी भी थी पता है? शाहीन तो कल शादी एक दिन पहले हो गई थी, कल परसों ही थी उसकी शादी, मुझे इतना पता है, मैंने कहीं देखा है। जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन मैच करेंगे, किसी संडे का प्लान करते हैं। बहराम भाई जो है बड़ा अच्छा माशाल्लाह खेलते हैं क्रिकेट, ये क्रिकेट में सोच रहे थे कितने गोल करने हैं। कश्मीर से रहते हैं? कश्मीर से कौन है भाई? कश्मीर में किस जगह से?
कौन सी जगह? बाग, बाग से आगे तरारा, मैं बाग तक गया हूँ। पिज्जा खाया आपने? नहीं, ये तो अभी आई, इसने पिज्जा नहीं खाया। नहीं बिल्कुल, एक और। फुटबॉल नहीं आती बेटा मेरे इस उम्र में, फुटबॉल नहीं, मैं खेलता था, भागा नहीं जाता। क्रिकेट ठीक है, फुटबॉल में बहुत भागना पड़ता है, क्रिकेट में तो रन लेने के लिए भागना ना, फुटबॉल में तो हर वक्त भागते रहना। कैमरा इधर लेकर आई जी, अजान का पेज है रेड स्पाइडर, और भाई इनको स्क्रीन टाइम दे दे, भाई इनको भी स्क्रीन टाइम दे दो। चलें भाई, से चीज, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। भाई बेटा, सबसे पहले मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों से हमारी मुलाकात करवाई, और मैं मतलब मेरे बचपन में मेरी दादी मुझे यहाँ पे एक दफ़ा लेके आई थी, और हम उस टाइम पे आते थे, बड़े सालों बाद आ जाए हूँ, तो और बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आम जो हमारी ऑडियंस देख रही है, इफ़ दे वॉन्ट टू सपोर्ट दिस कॉज, तो हाउ आर यू गाइज रनिंग दिस, और वो कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू अस आफ्टर सो लॉन्ग। Every child that we have here is sponsored by someone else. And the sponsorship is 15,000 per month for one child. And of course we have sponsors, but we are all the time on the lookout for more sponsors. There are several children that need to be sponsored. So you can do that. और आपको पता ही है इस्लाम में कफालत का कितना वो है, तो आप कफालत कीजिए। Then we have new projects coming up. उसमें कंस्ट्रक्शन में इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम प्रोजेक्ट, यू कैन डू दैट, वो भी हो सकती है उसमें। देन वी हैव स्पेशल फंड्स फॉर मैरिज, फंड्स फॉर गर्ल्स, उसमें हो सकता है। देन फंड्स चाहिए होते हैं फॉर हायर एजुकेशन, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या बिकॉज इनिशियली जो मुझे लगता था, दैट इज़ वाई आई ऑल्सो आस्क यू, कि मुझे लगा था कि 18 तक के बच्चे हैं, और उसके बाद वेन दे ग्रो ओल्ड दे मूव आउट, बट ऑब्वियसली आप यू टोल्ड मी कि ऐसा नहीं है। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो स्पॉन्सरिंग लाइक टू किड्स फ्राम हेयर, एंड हमारे भी रास्ते पर भी हमारे टीम के एक मेम्बर हैं, ही इज़ ऑल्सो डूइंग दैट, विच इज़ लाइक ग्रेट। बट आई वुड वॉन्ट यू टू टेल अदर पीपल दैट हाउ दे कैन, यू नो, बिकॉज आई एम श्योर 15 के इज़ेंट अ वेरी बिग अमाउंट। ए सेकेंडली, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं, व्हाट आर देयर सक्सेस स्टोरीज, एंड हाउ डू, बिकॉज यू वर टेलिंग अस ऑफ कैमरा कि लाइक ऑल दीज पीपल दे कम बैक विद देयर, यू नो, पार्टनर्स, स्पाउसेस, एंड यू नो दे आर माशाल्लाह सक्सेसफुल इन लाइफ। सो आई वुड वेरी मच वांट पीपल टू नो दैट। ऑफ कोर्स एवरी चाइल्ड डजंट बिकम अ डॉक्टर और अ इंजीनियर और अ डिप्टी कमिश्नर, सबकी अपना अपना होता है, बट सम डू वेरी वेल इंडीड। वी हैव चिल्ड्रन हु बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA करके, वर्किंग इन बैंक्स, सो मैनी इन द आर्मी फोर्सेज में बड़े बच्चे हैं, सो मैनी गर्ल्स हु डन देयर मास्टर्स टीचिंग इन स्कूल्स, कॉलेजेस। तो एक हमारी बच्ची ने NCSA आर्किटेक्चर में किया, एंड शी इज़ नाउ इन पोलैंड। सो सम डू वेरी वेल, ऑब्वियसली अपनी कैप उस पर है, जितना किसी में पोटेंशियल होता है अकॉर्डिंगली वो उसी तरह करते हैं। जो नहीं ज़्यादा कर सकते, वी ट्राई टू गिव देम सम स्किल और दी अदर, तो उसके लिए भी हम टैप के कॉलेजेस में उनको भेजते हैं, उनको भी करें। मैट्रिक इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड, सही है, उसके बाद दे गो फॉर स्किल ट्रेनिंग, जो भी टू इयर्स थ्री इयर्स डिप्लोमा कोर्स करें, वो कंप्यूटर्स में हो। अब तो ब्यूटिशियन बनने का पड़ा लड़कियों को, ब्यूटिशियन बन जाए। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी ये था कि कई लोग होते हैं जो कि इन कैश नहीं कर सकते, तो इन काइंड भी कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं, आके पढ़ा सकते हैं। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू कैन गिव टू एनीवन। जी जी, इट इज इजी टू ओपन योर वॉलेट एंड गिव मनी एंड थिंक यू हैव डन योर ड्यूटी। गिविंग टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट आल्सो। है कि जिस तरह कई डॉक्टर्स हैं हु कम रेगुलरली एवरी वीक हमारे पास, सीनियर डॉक्टर्स ऑफ फातिमा जनाह मेडिकल कॉलेज, हु हैव बीन कमिंग फॉर इयर्स। आके डिस्पेंसरी है हमारी, वी हैव अ डेंटल यूनिट हियर, डॉक्टर्स भी आते हैं, डेंटिस्ट भी आते हैं, वॉलंटियर्स, एंड देन फिर देर आर सम हु कम एंड हेल्प द चिल्ड्रन विद द स्टडीज, या कोई इज एन आर्टिस्ट तो वो उसमें आर्ट वर्कशॉप कराते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग सेशंस हो सकते हैं, टू आई मीन उनकी पढ़ाई में, होमवर्क कराने में, आप शाम को कोई भी टाइम दे सकते हैं। कोशिश ये करेंगे, वीडियो के नीचे आप लोगों के जो एक वेबसाइट है उसका लिंक भी लगा देंगे,
आप लोगों के जो अकाउंट डिटेल है वो भी लगा देंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस क्रिएट हो, बिकॉज देर आर इंस्टीट्यूट जो सारे बड़े अच्छे हैं, बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि फिलेंथ्रोपिस्ट मनी के लिए भी एक रेस है कि कौन उसको पहले लेके जाएगा, और SOS जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, इन सेंस के अगेन मैं इस बात पर एग्री करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा दुनिया में टॉप करे, अगर हम अपने बच्चे को भी ज़रूरी नहीं कि टॉपर हो तो हम उसको प्यार करते हैं या अपना समझते हैं, इंसान को सारे जैसे, और अगर टॉपर होते तो मैं तो यहाँ पे एटलीस्ट नहीं हो सकता था बिकॉज मैं टॉपर कभी भी नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे मज़हब में भी कहा कि जिसने एक इंसान की खिदमत की उसने पूरी इंसानियत की, कि तो यू गाइज आर डूइंग अ वेरी एक्सेलेंट जॉब, आई वुड लाइक टू सल्यूट यू, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें मौका दिया कि हम बच्चों से आके मिल सकें, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से जितनी अवेयरनेस रेज कर सकते हैं बिल्कुल करें, टाइम की भी कमिटमेंट जो करें तो इंशाल्लाह ताला। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, चलिए रियली थैंक यू जी। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने आज की जो हमारा ड्राइव थी हमने उसको कोशिश की कि हम बच्चों के साथ शेयर करें, बड़ा मज़ा आया लोगों से मिलके, हर एज के बच्चे थे, हर बैकग्राउंड के बच्चे थे और बड़े इंटेलिजेंट बच्चे थे मेरे ख्याल से अहमद से, और इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी सीरीज़ को जारी रखें। आप लोगों के कोई आइडियाज़ हों तो वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिस मिलता रहे। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और गाड़ी, किसी और डेस्टिनेशन और किसी और खाने के साथ, जो कि मैं खाना आपको पता बहुत ज़्यादा खाता हूँ, काम के साथ आपको पता है खाना मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो मैं खाना की बात करूंगा, ये गाड़ी की बात करेंगी, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।